हे गाइस, मेरा नाम है पंकज कौर और आप देख रहे हैं गेमिंग अरेना। आज अनबॉक्सिंग वीडियो है सोनी का WS-C200 ब्लूटूथ ईयरफोन। इसे मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। मॉडल नंबर इसे WS-C200। चलिए अब इसके बात कर लेते हैं, बॉक्स खोल क्या मिलता है हमें देखने को। वायरलेस, बैटरी लाइफ है 15 आवर का, ब्लूटूथ 1 ईयर की वारंटेड। पीछे है इसके फंक्शन जो इसमें रहेगा, माइक का फंक्शन, कॉलिंग वगैरह का। और ये मैग्नेटिक, मतलब ये थोड़ा चिपक कर रहेंगे जब यूज़ नहीं करने होगा। तो प्राइस यहाँ पर 2490 का है, लेकिन ये अमेज़ोन पे इजीली 1690 या फिर 1700 तक मिल जाते हैं। ये रहे इसके फंक्शन, हैंड्स फ्री कॉलिंग, HD वॉइस, 10 मिनट चार्ज टू प्ले 60 मिनट, काफ़ी अच्छा है। 15 आवर का बैटरी लाइफ है। वॉइस असिस्टेंट वगैरह है। और ये सबसे अच्छी बात तो है, इसमें चार्जिंग के लिए टाइप सी का पोर्ट है। आई एम यूजिंग 1+70 Pro मैकलारन जो कि टाइप सी का ही है, तो मेरे लिए तो ये अच्छा ही था। चलिए आप इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। आई डोंट नो यहाँ पर ये सील क्यों लगाया हुआ है, देखिए यहाँ से खोलना तो यहाँ से था। हेयर भी को आई थिंक मैंने उल्टा खोल लिया, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें देखना जो मिलता है वो है ईयरफोन जो इट सेल्फ, उसको रखते हैं साइड में। यूज़र मैनुअल, डॉक्यूमेंटेशन, वॉट एवर, टाइप सी केबल फॉर चार्जिंग। और ये रहे एक्स्ट्रा ईयरबड्स, इसमें हमें मिलते हैं 2 पेयर और एक जो डिफ़ॉल्ट लगा हुआ वो, मतलब सिर्फ 3 पेयर मिलते हैं इसमें, स्मॉल मीडियम लार्ज के लिए। ये टाइप सी के लिए चार्जिंग के लिए, भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। बाकी ये सब तो कोई पढ़ता भी नहीं, पढ़ना भी नहीं चाहिए। असली माल की तरफ, सबसे पहले ईयरबड को ही देख लेते हैं। राइट साइड, ये काफ़ी छोटा है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं। मेरे पास XB55 AP भी है, लेकिन उसके ईयरबड काफ़ी बड़े हैं। इसमें शायद मैग्नेट भरे, हाँ अरे मैग्नेटिक है। दूसरा है यहाँ पर इसका कंट्रोलर, प्लास्टिक निकालना। वॉल्यूम अप के लिए रहेगा ये, नेक्स्ट भी मल्टी फंक्शनल है, मतलब ऑन करने के लिए, नेक्स्ट प्रीवियस कॉल के लिए। और यार इसका चार्जिंग का सॉकेट टाइप सी, इस बजट में टाइप सी मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात है सोनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। और इस साइड पे ये कम्प्लीटली ब्लैंक है, इसका मतलब डेफिनेटली इसमें इसके अंदर बैटरी रहने वाला है। सो फर्स्ट स्टार्टअप देखते हैं इसका, मेरा पावर बटन। अरे हेयर भी स्टार्ट, इसमें NFC वगैरह नहीं है। अगर होता तो अच्छी बात थी, अगर नहीं है तो ठीक है। और होता भी तो ज़्यादातर सोनी यूज़र को ही फ़ायदा था, क्योंकि सोनी के हर एक सेलफोन में NFC रहता ही है, बाकी उनका मुझे मालूम नहीं।
बिल्ड क्वालिटी है थोड़ा प्लास्टिक, मुझे इतना मतलब सब प्रीमियम लुक नहीं लगा, ऐसा थोड़ा चीप टाइप प्लास्टिक है। बाकी ये जो बीच वाला जो वायर है वो काफ़ी थिक है, वो स्मूथ दिखाई। और जो कंट्रोल, सॉरी ये बैटरी वाला पार्ट है, इस पर सोनी ब्रांडिंग है, ये हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है। और ईयरबड तो हाइब्रिड सिलिकॉन के हैं। हेयर बिको WSC 200। या इट्स कनेक्टेड। लेट्स प्ले सम सॉन्ग। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं मेरे कंक्लूजन के बारे में। तो ये किन लोगों के लिए है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसके क्वालिटी की बात करते हैं, बॉडी वगैरह, ये तो सब प्लास्टिक का ही है, कोई भी मेटल वगैरह यूज़ नहीं हुआ है। प्लास्टिक और सिलिकॉन टाइप शायद है, कोई मटेरियल रहेगा। सोनी की ब्रांडिंग है और ये काफ़ी छोटे, मतलब ऐसा बल्किनेस किया है यार, इसका कोई वेट वगैरह भी कुछ ज़्यादा ऐसा महसूस नहीं होता, लाइट वेट है। अब साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये परफेक्टली बैलेंस है, मतलब इसका साउंड सुपर। एक्स्ट्रा बेस वालों जो लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ एक्स्ट्रा बेस चाहिए उनके लिए तो नहीं है, मतलब वो भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए भी एक मीडियम तक, एक लेवल तक बेस है, लेकिन सुनी का कोई भी XB सीरीज वाला जितना बेस नहीं है। ट्रबल मिड सब बैलेंस है और काफ़ी लाइट वेट है, मतलब कंफर्टेबल है। ऐसा कोई भी चीप चाइनीज़ वगैरह कोई प्रोडक्ट नहीं लग रहा है, मतलब एक बिल्ड क्वालिटी वगैरह डिसेंट है सब कुछ। अगर आप इसके मैनुअल को देखेंगे तो कम सीरियसली इसे तो पूरा एक फाइटर जेट बना सकते हैं, पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। अरे दोनों टाइप से साइड से भी है दो, वो तो ऐसी बात है। क्या ये वो आपको बाय करना चाहिए या वर्थ करता है अपनी प्राइस, जिस प्राइस पे आता है जो डेफिनेटली, क्योंकि इसके साउंड क्वालिटी है ना, जो सोनी की साउंड क्वालिटी रहती है वो हमेशा ही ग्रेटर रही है। और JBL क्यों नहीं, अगर सिर्फ सोनी क्यों, तो मेरा JBL के साथ कुछ खास मतलब ऐसा इंप्रेशन पड़ा नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी JBL, मेरे पास ऑलमोस्ट 4 या 5 JBL के ईयरफोन थे जिसमें सेम प्रॉब्लम सेम टाइम पे हुआ था। अब जब मैंने फ्रेंड के लिए भी अपने दो तीन फ्रेंड के लिए भी ऑर्डर किया था, सबका एक ही महीने में एक लेफ्ट साइड का ही बंद हुआ था। अभी कोई इंसिडेंस क्या है मुझे नहीं मालूम। और इससे शॉकिंग न्यूज़ तो है कि जब मैंने सर्विस सेंटर ढूंढना चालू किया तो मेरे एरिया में एक भी सर्विस सेंटर नहीं था JBL का। सो JBL का तो बैड इंप्रेशन है मेरे लिए, मैं तो कभी भी JBL का प्रोडक्ट तो बाय नहीं करने वाला। सोनी का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ है सोनी की। बिग फैन ऑफ सोनी और उसका सर्विस सेंटर वगैरह, सर्विस भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब इसमें एक ईयर का वारंटी लिखा हुआ है, जो अगर 1 साल के अंदर ख़राब होगा तो मुझे इसका रिप्लेसमेंट मिलने ही वाला है सर्विस सेंटर में, और वो सर्विस सेंटर भी मेरे नज़दीक में है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसका चार्जिंग का भी देख लेते हैं, तो ये रहा मेरा मैकलेरन का चार्जर जो टाइप सी के साथ आता है। अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं। ये रहा चार्जिंग के लिए, इसको जूम करता हूँ। ये रेड इंडिकेटर, इसका बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छा है, मतलब जो कंपनी ने जो क्लेम किया है वो है 15 आवर का।
हाँ तो इतना तो नहीं मिलेगा, फिर भी 10 आवर अगर मिलता है तो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो इस प्राइस टैग पे आता है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा दे रहे, टाइप सी दे रहे, वही बहुत बड़ी बात है, जो कि अदर कंपनी कोई नहीं देता इस प्राइस टैग पे। और एक रिलायबल ब्रांड है सोनी। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। Hellcat.